मित्रों नमस्कार। आज हम रसोई और सेहत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुदीने की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती, पालक और मेथी इनसे सभी वाकिफ हैं। फसल में इनकी पैदावार अधिक होती है, ये फसल में सस्ते भाव पर मिलते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे साल इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सस्ते भी पड़ेंगे और ताजे हरे दिखेंगे पूरे साल बिना प्रिजर्वेटिव के। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी है। आप इनकी पत्तियों को तोड़कर अलग कर लें, नमक के पानी से धोकर इन्हें साफ कर लें, कॉटन के साफ कपड़े में इन्हें बिछाकर उसी कपड़े से ढक दें और छांव में इसे अच्छी तरह सुखा लें। सूखने के बाद इन्हें साफ कर हाथ से मसल लें, ये पाउडर जैसा बन जाएगा। फिर से उसी तरह सुखा लें, मिक्सी में पीसकर इसका आटे की चलनी से अच्छी तरह छान लें। इस पाउडर को एयर टाइट डब्बे में रख लें। अगर डब्बे में ऊपर खाली जगह बचे तो इस खाली जगह को अखबारी कागज़ से भर दें। वो इसलिए ताकि इसमें हवा नहीं जाए और वैक्यूम जैसा बन जाए, इसके अंदर नमी न रहे। ज़रूरत पर आप इसका इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अधिक सुरक्षित रखना हो तो पारद की गोलियां आती हैं, इन्हें अखबारी कागज में लपेटकर और इस डिब्बे में इस पाउडर के ऊपर रख दें। जब आपको ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल करते समय अपने ज़रूरत में उपयोग कर सकते हैं। आपको इसका पूरा स्वाद मिलेगा, पूरी महक मिलेगी, बिल्कुल ताजी जैसी लगेगी, जिसे आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह तुलसी एवं नीम की पत्ती का पाउडर आप बनाकर घर पर रख लें और जब कभी आवश्यकता हो तो इस्तेमाल करें। मित्रों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।